सही है, छोटे छोटे जीव होते हैं ब्लिंकेट नामक, ये जीव बड़ी मात्रा में क्या है कि आपके जो ये जिसमें समुद्र है, एकम गहरे समुद्र है, इसमें आसान से मिलते हैं, बड़ी मात्रा में मिलते हैं। दूसरा आपका है नदियों के मुहाने। नदियों के मुहाने क्या है कि प्लैंकेटन नामक छोटे छोटे जीव होते हैं, प्लैंकेटन नामक जीव छोटे छोटे जीव होते हैं, ये और पौधे इन दोनों के लिए क्या चाहिए? प्लैंकेट नामक जीव और वनस्पति छोटे छोटे पौधों के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, विभिन्न प्रकार के क्या है कि खनिज लवण चाहिए, खनिज लवण। जो वनस्पति है, समुद्र में पाई जाने वाली जो वनस्पति है, छोटे छोटे प्लैंकेट नामक जीव है, पेड़ पौधे हैं, इनके लिए नाइट्रोजन गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, खनिज लवण चाहिए। ये सभी क्या है कि जितने भी आपके खनिज लवण इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसके द्वारा होती है? नदी द्वारा होती है। इसके अतिरिक्त नदियां विभिन्न प्रकार के सड़े गले पदार्थों को बाहर कर जाती है जो मछलियों के खाने के काम आती है। सड़े गले पदार्थ, सड़े गले पदार्थ इनको कौन पहुंचाता है? इन सबको नदी पहुंचाती है। तो नदी का मुहाना भी क्या है? मछलियों के अनुकूल दशाएं पैदा करता है। क्या होता है इसमें कि मछली के लिए क्या है कि सीधा समुद्र होना चाहिए, दूसरा नदी का मुहाना होना चाहिए। तो प्लैंकेट नामक छोटे छोटे जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, खनिज लवणों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और ये जो इसमें अतिरिक्त इसके अतिरिक्त क्या है, ये चाहिए नहीं है, इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जो सड़े गले पदार्थ होते हैं इनको भी बहाकर नदियां ले जाती है और कांस समुद्र में जमा कर देती है। जो कि क्या होता है, सड़े गले पदार्थ होते हैं, ये मछलियों का खाना होता है, भोजन होता है। तीसरा आपका है विभिन्न प्रकार की ये धाराएं, समुद्र धाराएं। तो जहां ठंडी और गर्म धाराएं, जहां ठंडी और गर्म धाराएं मिलती है ये मछलियों के लिए बहुत अनुकूल होती है, क्योंकि जहां ये मुख्य रूप से मिलती हैं विभिन्न प्रकार की धाराएं, अलग अलग स्वभाव वाली धाराएं, वहां प्लैंकेटन नामक जीव है ये अधिक संख्या में मिलते हैं। क्योंकि जो गर्म धाराएं होती है वो मछलियों के लिए भोजन लेके आती है, वो ठंडी धाराएं होती है वो प्लैंकेटन नामक जीव लेके आती है। जो आपस में मिलते हैं तो वहां दोनों धाराओं के मिलने के कारण से जो मछलियां हैं वो अधिक मात्रा में मिलती है, क्योंकि प्लैंकेटन नामक जीव है वो ठंडी धाराओं से आती है और गर्म धाराओं से भोजन आता है, आपस में मिलता है, कोरस आ जाता है और वहां प्लैंकेट नामक काई है ये अधिक संख्या में मिलती है। इसलिए क्या है कि जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वे स्थान मछलियों के लिए प्रमुख क्षेत्र होते हैं, क्योंकि विभिन्न धाराएं होती हैं इनके मिलने पर प्लैंकेट नामक काई बहुत अधिक मात्रा में पैदा हो जाती है। प्लैंकेट नामक जीव है ये अधिक संख्या में पैदा हो जाते हैं। जहां उदाहरण के लिए देखा जाए तो जापान है आपका, न्यूफाउंडलैंड है, उत्तरी क्षेत्र है, जहां गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती है। देखो कहां है कि एक तो आपका क्या है कि देखो यहां से देखिए ये ग्रेट ईस्टर्न की धारा है, ऊपर से आएगी नेबर की धारा, ये ग्रेट ईस्टर्न की धारा है और नीचे से ऊपर से आएगी आपकी क्या है नेबर की धारा। ये जहां मिलती है तो जो ये वाला क्षेत्र आगे वाला क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है न्यू फाउंडलैंड। तो यहाँ विश्व की सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती है। इसी प्रकार से क्यूरोसियो क्यूराली की धारा है, क्यूराली की ठंडी धारा है ऊपर से आती है, जापान के पूर्व तट से आगे आगे तरफ आती है, जो आप एशिया का जो पूर्वी क्षेत्र इस तरफ से जो 216 इसके तरफ से आगे आती है ये क्यूराई की धारा, और नीचे से आके जो चीन के आगे से चलती है यूरोशिवो की धारा। और जहां आपस में ये मिलती है, यूरोशिवो की धारा गर्म धारा है और क्यूराई की आपकी ठंडी धारा है, जहां आपस में मिलती है, तो जो एशिया का पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग है जिसमें जापान क्षेत्र आता है, यहाँ पर भी मुख्य रूप से मछलियों का अत्यधिक मात्रा में जो मछलियां पकड़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी ठंडी धारा और गर्म धारा आपस में मिलती है। क्यूरोसियो गर्म धारा है और क्यूराइल की आपकी ठंडी धारा जहाँ मिलती है, जापान का जो आगे वाला तट है क्षेत्र है, ये क्षेत्र है ये मछलियों के लिए अत्यधिक है, यहाँ पर मछलियां पकड़ी जाती है, बड़ा क्षेत्र है मछलियों के उत्पादन के लिए। तो जहाँ ये क्यूरोसियो क्यूराइल की धारा है इसी प्रकार से गल्फ स्ट्रीम की और लेबराडोर की धारा है, तो यहाँ न्यूफाउंडलैंड है आपका तट है, वहां पर बहुत अधिक मछली पकड़ी जाती है। चौथा इसमें कारण आपका जो अनुकूल दशाओं में जलवायु है,
जलवायु दशा बहुत अधिक डिपेंड करती है मछलियों के उत्पादन के लिए। तो साधारणतया मछलियों के लिए शीतोष्ण प्रदेश मछलियों के लिए बहुत अधिक उपयुक्त रहते हैं, जहाँ साधारण तापमान रहता है या शीतोष्ण तापमान अधिक रहता है वो मछलियों के लिए बहुत अधिक उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। यद्यपि उष्णकटिबंधीय समुद्रों में भी मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय स्थानों की जो मछलियाँ होती हैं वो कम स्वादिष्ट होती है और कुछ विषैली भी होती है, जबकि जहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो जलवायु आपके लिए क्या है, मछलियों के लिए अनुकूल पाई जाती है। जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है वहाँ अधिकांश मछलियाँ पकड़ी जाती हैं या मिलती है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इन शीतोष्ण कटिबंधीय मछलियों का अधिक महत्व है। तो क्या है जो जलवायु है इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसके लिए अनुकूल माना जाता है, जहाँ जलवायु आपकी है वो अनुकूल मानी जाती है, मछली अधिक उत्पन्न होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर भी मछली होती है, लेकिन वो क्या होती है, एक तो कम स्वादिष्ट होती है, विषैली अधिक होती है। जबकि इसी कारण जो जलवायु के अनुकूल दशा आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो इसके लिए अधिक अनुकूल पाया जाता है, अधिकांश मछलियाँ उसी प्रदेश में पकड़ी जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और वहाँ की जो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है वहाँ की मछलियाँ हैं वो अधिक सुविधा मिलती है वहाँ पर, और वहाँ पर मछलियाँ अधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी जो मछलियाँ हैं वो पकड़ने के लिए क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय समुद्र पाए जाते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वो निम्नलिखित कारणों से उष्ण कटिबंधीय की तुलना में अधिक प्रिफर किए जाते हैं, अधिक महत्व रखते हैं। तो इसके निम्नलिखित कारण है जिनके कारण से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वो मछली के लिए अधिक अनुकूल माने जाते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा, पश्चिमी आपका यूरोप आएगा, ये क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। दूसरा इसमें आपका ब्रिटेन है, उत्तरी अमेरिका है, तो ये आपका ब्रिटेन वाला क्षेत्र भी, ये ब्रिटेन क्षेत्र है। ये आपका पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र है, नॉर्वे स्वीडन वाला क्षेत्र है, ये ब्रिटेन वाला क्षेत्र है। जो अमेरिका का जो ऊपर वाला उत्तरी पूर्वी भाग है, ये वाला भाग है उत्तरी पूर्वी भाग, यहाँ पर भी मछलियाँ अधिक पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से आपका जो जापान में देखें तो पूरी जापान वाला ये वाला तट है, थाईलैंड वाला तट ऊपर वाला, ये जो जापान का तट है, पूर्वी जो आपका चीन वाला तट है, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये पूरे पूरे तट क्या है कि जैसे पश्चिमी यूरोप देख लो, ब्रिटेन देख लो, उत्तरी अमेरिका देख लो, इनके समुद्री तट हैं, ये कटे फटे होते हैं, कटे फटे होने के कारण से ये मछली पकड़ने के लिए अधिक सुविधाजनक स्थान होते हैं, और यहाँ पर सुविधाजनक आपके क्या है, बंदरगाह भी दिखें सुरक्षा की दृष्टि से भी, और आपके क्या है कि सुरक्षित बंदरगाह भी इस क्षेत्र में अधिक है, सुविधा अधिक मिलती है। पहला क्या हो गया, पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इन सब की क्या है, ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, और यहां पर क्या है, इन सभी के तट कटे फटे हैं, तट कटे फटे हैं और सुरक्षित बंदरगाह है। क्षेत्र में मछलियां हैं वो कटे फटे तट होने के कारण से मछलियां हैं वो अधिक संख्या में मिलती है, उनको आसानी से पकड़ सकते हैं, सुरक्षित बंदरगाह। इसी प्रकार तो दूसरा पॉइंट इसमें है अनुकूल जलवायु में ही, इन प्रदेशों की जलवायु शीत प्रधान है, अतः मछलियों पकड़ने के लिए जो मछलियां अधिक मात्रा में पकड़ लेते हैं तो सड़ती नहीं है, और ठंडी जलवायु होने के कारण से ये शीत भंडार का काम भी करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है कि इन प्रदेशों की जलवायु शीत है, जलवायु शीत होने के कारण शीत भंडार का काम इतनी मात्रा में, यदि मछलियां पकड़ लेंगे शीत भंडार मछलियों का कोल्ड स्टोर का काम करती है, शीत भंडार का काम करती है, मछलियां सड़ती नहीं है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध है वो फ्रिज का काम करता है, आपका रेफ्रिजरेटर का कार्य करता है, शीत भंडार का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट इसी में जलवायु में है, इन प्रदेशों में शीतले समुद्र अधिक मात्रा में मिलते हैं या शीतले समुद्रों की अधिकता है, अधिकता होने के कारण से यहाँ
जो ठंडी और गर्म धाराएं भी कई स्थानों पर मिलती है, तो ये भी इसमें कारण है। इस क्षेत्र में क्या है, तीसरा पॉइंट है गर्म व ठंडी धाराएं मिलती है, गर्म और ठंडी धाराएं भी इस क्षेत्र में मिलती है, शीतोष्ण क्षेत्र है। और आपको क्या है इसमें, इस क्षेत्र में क्या है कि आपका जो इन प्रदेशों से समुद्र नदी है, समुद्र भी अधिक है। ये भी इसका कारण है, ग्रीन कारण से है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मछलियां अधिक पकड़ी जाती है। जो निकटवर्ती क्षेत्र है वो अधिकांश वन्य क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र है, तो जो नाव बनाने के लिए, जो नावें बनाने के लिए इनको लकड़ी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, नाव बनाने के लिए, नावें बनाने के लिए लकड़ी पर्याप्त मिल जाती है। तो वन्य क्षेत्र अधिक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र है, तो निकट आप बता जितने भी भाग है निकटवर्ती क्षेत्र है वो सब वनों का भरा हुआ है, वनों से होने के कारण से नाव जो बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी भी पर्याप्त मात्रा में, नाव के से लकड़ी चाहिए और लकड़ी आपको इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। निकटवर्ती वनों में नाव बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ी उपलब्ध होती है, इससे जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट इसमें है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है अधिकतर क्षेत्र में तटवर्ती भाग में कृषि योग्य भूमि की कमी है। अतः क्या है कि पूरा पूरा भाग है वो किस पे आपका मनुष्य, क्या है मनुष्य उत्पाद किस हो गया, जो समुद्र को हो गया, क्योंकि क्या है कि जो इस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का अधिकांश जो तटीय क्षेत्र है, अधिकांश तटीय क्षेत्र कृषि के अयोग्य है, या कृषि का मात्रा में की जाती है मनुष्य झुकाव समुद्र की ओर हो गया, मनुष्य झुकाव समुद्र की तरफ मतलब है मछली पालन की ओर अधिक हो गया है। इसी प्रकार से इसी में छठा पॉइंट है, इस प्रदेश के लिए जो धार्मिक कारण भी है कि यहाँ पर मछलियों पर ऐसा कोई विश्वास नहीं है कि मछलियों को खाते नहीं है, कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मछलियों पर खाने पर प्रतिबंध होता है, लेकिन जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसमें जो धार्मिक विश्वास है वो मछली खाने के लिए उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। इसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने के कारण क्या है, मछलियों का उपभोग ज्यादा है। इस क्षेत्र की क्या है कि जो धार्मिक विश्वास है वो मछली खाने के लिए बाधक नहीं है, धार्मिक विश्वास मछली खाने में बाधक नहीं है, तो इसमें खपत अधिक है, आराम से लोग मछली खा लेते हैं, तो किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होने के कारण खपत अधिक है, और खपत अधिक है तो क्षेत्र में मछली अधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। तो ये आपके शिशिर समुद्र है, नदियों का मुहाना है, समुद्र तटीय धाराएं हैं, जलवायु है, ये सभी कारक आपके मुख्य रूप से जो मछली उत्पादन है उनके लिए अनुकूल होते हैं और मछली उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अब ये तो आपके मुख्य रूप से क्या है कि अनुकूल दशाएं हैं। अब विश्व के प्रमुख जो मछली उत्पादक केंद्र हैं या क्षेत्र हैं, विश्व के मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र, तो विश्व में जो मुख्य रूप से मछली है वो चार क्षेत्रों में मुख्य रूप से पकड़ी जाती है। कई ऐसे क्षेत्र और भी हैं इसके अलावा जहां भी मछली पकड़ी जाती है, लेकिन प्रमुख क्षेत्र आपके क्या है, ये आपके पांच क्षेत्र से हैं, चार क्षेत्र से हैं जहां मछली अधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। पहला आपका इसमें उत्तरी प्रशांत महासागर तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी प्रशांत महासागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है, उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्ती महासागरीय क्षेत्र है, वो भी क्या है मछली का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर का जो महासागर तटवर्ती क्षेत्र है, उत्तरी प्रशांत महासागर का, ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये आपका पुराना भाग है, ये पूरा पूरा ये क्या आता है उत्तरी प्रशांत महासागर में आता है, उत्तरी प्रशांत नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इस क्षेत्र में यह है। ये दोनों क्षेत्र आपके क्या है कि मुख्य रूप से क्या है, चाहे उत्तरी हो चाहे आपका पश्चिमी क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में क्या है कि मछली अधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। तो जो उत्तरी प्रशांत महासागर तटवर्ती क्षेत्र है
इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र बेरिंग दंडमुंह से लेकर दक्षिणी कैलिफोर्निया, ये देखो यहाँ पर आपका बेरिंग दंडमुंह है, इससे लेकर ये कैलिफोर्निया तक का भाग है, ये क्षेत्र जो क्षेत्र है ये क्षेत्र इसमें अलास्का का भाग आएगा, ये जो क्षेत्र है जो बेरिंग दंडमुंह से लेकर आपका कैलिफोर्निया तट तक है, ये वाला भाग आपका है, ये पूरा पूरा एक नंबर है और यहाँ मछली अधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। तो जो उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र है ये कहां से शुरू होता है, बेरिंग जलडमरू, बेरिंग जलडमरू का है ये जो आपका ये वाला भाग है, बेरिंग जलडमरू है इसे लेकर ये कैलिफोर्निया तक का भाग है, से लेकर कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया तक का जो भाग है ये आपको किसमें आएगा, ये उत्तरी प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से आएगा, ये विस्तृत क्षेत्र है और यहाँ विस्तृत रूप से जो बेरिंग दंडमुंह से लेकर कैलिफोर्निया तक का क्षेत्र है, यहाँ विस्तृत मात्रा में मछली का उत्पादन किया जाता है, मछली पकड़ी जाती है। इसी प्रकार से दूसरा आपका है उत्तरी अंटार्कटिक, उत्तरी अंटार्कटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, उत्तरी अंटार्कटिक तटीय ये उत्तरी अंटार्कटिक है और इसका अमेरिकन तट वाला ऊपर वाला भाग है, आगे वाला भाग है, ये वाला अमेरिकन तट का भाग, ये देखो ये पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि ये अटलांटिक महासागर है, इसका नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, इसमें ये वाला जो ऊपर वाला है अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, ये क्षेत्र भी क्या है मछली उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। तो दूसरा आपन का क्षेत्र हो गया उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, उत्तरी जो अटलांटिक अमेरिकन तटीय क्षेत्र है, पूर्वी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी मछली मुख्य रूप से उत्पन्न होती है, ये क्षेत्र न्यूफाउंडलैंड, इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में आपको यहाँ बताया था न्यूफाउंडलैंड है मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, न्यूफाउंडलैंड से लेकर कैरोलिना तक विस्तृत है और यहाँ ग्रैंड बैंक्स डॉगर बैंक को, ग्रैंड बैंक जो विश्व के प्रसिद्ध मछली उत्पादक केंद्र है उसमें से यहाँ पर ग्रैंड बैंक मुख्य उत्पादक केंद्र है। तो देखो इसमें सुन लो इसको, इसमें क्या है, ये मुख्य रूप से आपको क्या है कि यह क्षेत्र न्यूफाउंडलैंड से लेकर ये प्रसिद्ध कैरोलिना तक का जो तट आता है, ये न्यूफाउंडलैंड से लेकर और कैरोलिना, कैरोलिना तक का राज्य है, अमेरिका का राज्य का नाम है, न्यूफाउंडलैंड से लेकर कैरोलिना राज्य तक का जो विस्तृत क्षेत्र है यह आपका उत्तरी अंटार्कटिक तक आता है और यहाँ पर मुख्य रूप से जो ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक प्रसिद्ध मछली उत्पादक केंद्र है। तो उसमें मुख्य रूप से क्या हो गया कि ये जो अमेरिका का उत्तरी अंटार्कटिक आपका तटीय क्षेत्र है जिसमें अमेरिका का क्षेत्र आता है और यहाँ पर आपका क्या है न्यूफाउंडलैंड से लेकर कैरोलिना तक का क्षेत्र है, इसमें ये कैरोलिना वाला क्षेत्र यहाँ तक ये पूरे क्षेत्र है, ये वाला भाग है ये पूरा जिसमें हमने खिलाता है, ये क्षेत्र उत्तरी अंटार्कटिक तट में जो पूरे आपके अमेरिका है ये वाला भाग है, इसमें कैरोलिना तक का जो राज्य है वहां तक का आपका राज्य सम्मिलित किया जाता है, ये वाला क्षेत्र इसमें, और इसमें मुख्य रूप से क्या है न्यूफाउंडलैंड और दूसरा आपका क्षेत्र इसमें जो ग्रैंड बैंक है विश्व का जो प्रसिद्ध मछली उत्पादक केंद्र है, ग्रैंड बैंक है और ये क्या है न्यूफाउंडलैंड, न्यूफाउंडलैंड विश्व का प्रसिद्ध उत्पादन केंद्र है इसमें भी और उसमें ग्रैंड बैंक है, ये आपका मुख्य मछली उत्पादक केंद्र है। तीसरा इसमें है उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र ये वाला, ये जो नार्वे स्वीडन डेनमार्क ये वाला क्षेत्र है ये क्या है उत्तरी पश्चिमी, ये ब्रिटेन तक फैला हुआ आगे वाला भाग, ये वाला भाग है तीन नंबर वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है तो पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, इस ये क्षेत्र उत्तरी अंतरिक्ष से दक्षिणी जिब्राल्टर, उत्तरी अंतरिक्ष यह क्षेत्र उत्तरी अंतरिक्ष से लेकर दक्षिणी जिब्राल्टर, जिब्राल्टर तक का जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से किसमें आता है आपका, ये पश्चिमी यूरोप उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र में
ये आपका मुख्य रूप से उत्तरी अंतरिक्ष से लेकर और जिब्राल्टर तक का क्षेत्र है। ये पूरा पूरा क्षेत्र आपका मछली के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये दो क्षेत्र है, ये पश्चिमी यूरोप है और उत्तरी पश्चिमी यूरोप है। इसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मुख्य रूप से आपका जो उत्तरी अंतरिक्ष से लेकर दक्षिण जिब्राल्टर तक विस्तृत जो क्षेत्र है, इसमें मुख्य रूप से आपके क्या है, डागर बीन। मुख्य रूप से इसमें डागर बीन आता है। मछली का प्रसिद्ध उत्पादन केंद्र है, ब्रिटेन है, आइसलैंड है के जो तट हैं वो भी क्या है इसके अंदर, ताइवान आपके क्षेत्र है, ब्रिटेन है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, यदि इनके क्या है कि तटवर्ती क्षेत्र है, क्या है इसमें ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, ये इसके मुख्य क्षेत्र है जहां पर तटवर्ती इनके तटवर्ती क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र। उनके रूप से क्या होगा, तो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप में भी क्या है आपका, एक तो इसमें डागर बीन, डागर लोगर बीन मछली का ब्रांड भी, और डागर बीन ये मुख्य रूप से क्या है मछली के बड़े उत्पादक क्षेत्र कहलाते हैं। इनमें मछली अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। तो ब्रिटेन और आइसलैंड का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है, उसमें सम्मिलित किया जाता है। उसमें नॉर्वे है, ब्रिटेन है आदि मुख्य उत्पादक केंद्र है। इसके अलावा जो आपके इसमें नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, ये क्षेत्र इसमें मुख्य रूप से आते हैं। इसी प्रकार से इसमें आपका चौथा क्षेत्र इसमें है जापानी क्षेत्र। जापानी क्षेत्र भी क्या है, मुख्य रूप से उत्पादक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है जापानी क्षेत्र। जापानी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जापान सागर के उत्तरी सागर समुद्र को सम्मिलित करते हैं। ये देखो यहाँ पर ये सागर है, इस सागर का नाम है जापान सागर। ये जापान सागर भी क्या है, उत्तरा सागर है। तो ये जो आपका पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया का ये वाला भाग है, यहाँ पर भी मछली अधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। मुख्य रूप से तो जापानी क्षेत्र कहलाता है ये। और जापान का ये जो भाग है, इसमें जो जापान के पश्चिम में और चीन के मध्य ये जो वाला भाग है, इसमें आपके क्या है मुख्य रूप से ये जापान सागर है। और जापान सागर में ये छोटा सागर है, कम गहरा सागर है, और कम गहरा सागर होने के कारण से यहाँ मछली अधिक संख्या में पकड़ी जाती है। ये पूरा पूरा क्षेत्र क्या है, उत्तरा क्षेत्र है, कम गहरा क्षेत्र है। यहाँ इस क्षेत्र में जापान सागर में उत्तरे सागर है को शामिल करते हैं। जापान इसमें मुख्य उत्पादक केंद्र है, जापान इसमें मुख्य उत्पादक केंद्र है। इसके अलावा इसके ताइवान क्षेत्र से लेकर तो उत्तर पूर्वी साइबेरिया तक विस्तृत है। ये ताइवान यहाँ पर, यहाँ से लेकर ताइवान और ताइवान, ये ताइवान क्षेत्र को लेकर ताइवान यहाँ है, ताइवान जापान से लेकर ये आपका क्या है साइबेरिया तक फैला हुआ क्षेत्र है। पूरा पूरा क्षेत्र आगे वाला भाग है, ये मुख्य रूप से किसमें आता है, जापान, जापानी क्षेत्र में आता है। जापान के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में आता है, मछली उत्पादन क्षेत्रों में आता है। जापान सागर उत्तर सागर है, और यहाँ से ये ताइवान से लेकर जो चीन है इसका पूर्वी भाग से लेकर आपके साइबेरिया तक फैला हुआ क्षेत्र है। तो ये क्या है जो जापान से मुख्य रूप से ताइवान, ताइवान से लेकर साइबेरिया तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या है कि चीन का उत्तरा सागर है, और मुख्य रूप से यहाँ पर जो क्षेत्र आपका आएगा उस क्षेत्र में जापान है, चीन है, कोरिया है, प्रमुख उत्पादक केंद्र है। इसमें जापान, चीन, कोरिया ये प्रमुख उत्पादक केंद्र है जो कि आपके इस जापानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से आपके क्या हो गया, कुछ देश हैं जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, निर्यात करते हैं और कुछ आयात करते हैं। तो विश्व के प्रमुख निर्यातक देश जहां से दूसरे देशों को मछली का उत्पादन भेजा जाता है, तो निर्यातक देशों में आपके आता है पेरू आता है, चिली आता है, आइसलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, और आपका जो कनाडा है, न्यूफाउंडलैंड है, यूएसए का भाग है। तो ये क्या करते हैं मुख्य निर्यातक देश, निर्यातक देशों में आपके क्या है पेरू मुख्य उत्पादक देशों में जो निर्यातक देश है, न्यूफाउंडलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, जितने भी देश आपके क्या है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, कनाडा है, आइसलैंड,
डेनमार्क आता है, ऑस्ट्रेलिया है इसमें, ये क्या है, न्यूफाउंडलैंड है, यूएसए है, कनाडा है, ये इसमें निर्यातक देश है। आयातक देशों में जो दूसरे देशों से मछलियों का आयात करते हैं, आयातक देशों में आपका है ब्रिटेन है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी द्वीप समूह है, ये मुख्य रूप से क्या है कि जापान आपका है, ये क्या करते हैं मुख्य रूप से जो आयात करते हैं मछलियों का, तो ब्रिटेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, पश्चिमी द्वीप, ये मुख्य रूप से क्या करते हैं आयातक देशों के श्रेणी में आते हैं। आपके पुर्तगाल है, इटली है ना, स्पेन है, फ्रांस है, ये क्या करते हैं कि मुख्य रूप से स्पेन है, फ्रांस है, ये तो निर्यात कर देते हैं, और तो आपका ब्रिटेन है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी देशों में ये आयात करते हैं। निर्यात देशों में पेरू है, चिली है, आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन है आपका, जापान है, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। उम्मीद है एक छोटा सा टॉपिक था आपका, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विश्व में मत्स्य पालन तो उसकी अनुकूल दशाएं कौन कौन सी है, और विश्व के प्रमुख जो मछली उत्पादक केंद्र कौन कौन सी हैं, ये आपको आज के लेसन में मैंने पढ़ाया है, आज के टॉपिक में पढ़ाया है। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, आप स्वस्थ होंगे, आप प्रसन्न होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज ये लेसन सुना। थैंक यू वेरी मच।